उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सड़क किनारे सो रहे श्रद्धालुओं को बस ने कुचल दिया। नौरारा गंगा घाट पर हुए इस दर्दनाक हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालुओं वैष्णो देवी से दर्शन के बाद गंगा स्नान के लिए हाथरस से नौरारा घाट पर सड़क किनारे सो रहे थे, तभी ये घटना हुई। वहीं घटना के बाद आरोपी बस ड्राइवर घटनास्थल पर बस को छोड़कर वहां से फरार हो गया। घटना के बाद एसडीएम संजय कुमार, सीओ विक्रम सिंह व नौरारा के आसपास थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कोष से सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने चिन्मयानंद मामले में कहा कि पीड़िता को सरकार ने जेल भेज दिया और सरकार तेल मालिश वाले के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि एप्पल में काम करने वाले विवेक तिवारी को क्या पुलिस ने नहीं मारा? सरकार देखे कि चीन से आ रहे पटाखे ना बिके। दिवाली आ रही है, पटाखे भी चीन से आ गए हैं। बता दें कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी इंटरनेशनल सेंटर गोमती नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश खुशहाल तभी हो सकता है जब जयप्रकाश नारायण के सिद्धांत पर चले। देश के सामने उस समय जो चुनौतियां थी वही आज भी हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, आज फिर हम सब समाजवादियों को मिलकर संपूर्ण क्रांति पर चलना होगा। की खबर चला दें तो उन्हें डराया जाता है। ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए है कि आप कुछ नहीं बोल पाए। जो संविधान ने हक और सम्मान मिला था लोगों को, वो छीनने का काम हो रहा है। जितनी तेज ट्रेन चलेगी उतनी तेज ये फिल्म अभिनेता व राज्यसभा सदस्य राज बब्बर के स्थान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के लिए अजय कुमार लल्लू लखनऊ पहुंचे, जहां जमीनी और साधारण कार्यकर्ताओं की अपनी छवि को व प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी बरकरार रखने के लिए वह गोरखपुर से रोडवेज बस में सवार होकर राजधानी लखनऊ पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने कहा कि वह एक आम आदमी है और पहले भी बस से यात्रा करते हैं, इसके चलते आम आदमी की समस्याओं को उठाना उनका काम है, इसलिए वह भी आम आदमी की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला रेत दिया और उसे मरा समझकर सड़क किनारे फेंक दिया, जहां राहगीरों ने खून से लथपथ तड़पती युवती को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला से वारदात के बारे में जानकारी लेने का प्रयास की और इस दौरान महिला एक मोबाइल नंबर लिख पाई और बेहोश हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन की और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी प्रेमी को चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया। घायल महिला को तत्काल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसको फिर ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू रेफर कर दिया गया था। महिला ने बेहोश होने से पहले एक जिसने हमलावर का नंबर था वो लिखा और अपना नाम उसने सीमा सोनी लिखा एक कागज पर, लेकिन जो नंबर लिखा उस नंबर पर कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया। उस नंबर पर जब कोई कॉम्बिनेशंस बनाए गए कुछ अक्षर आगे पीछे करके, तो एक नाम सोशल मीडिया पर दिखा नदीम खान नाम से, उसके फ्रेंड लिस्ट में एक सीमा खान नाम की महिला दिखाई दी जिसका चेहरा इस घायल महिला से काफ़ी मिलता था। वहीं जो जो नदीम खान नाम का व्यक्ति था वो एक अन्य फोटो में फेसबुक पर एक वाहन चलाते हुए दिखा। उस वाहन के नंबर से उस वाहन के स्वामी को जब ट्रैक किया गया और रात में नाका थाने की पुलिस उसके पास पहुंची, तो उसने इसकी पहचान अपने ड्राइवर के रूप में की और जो घायल महिला है उसकी पहचान ये कहा कि ये नदीम खान की दूसरी बीवी है और जो कि सीमा सोनी उर्फ सीमा खान है। उसके बाद उसको साथ ले जाकर दबिशें दी गईं तो गोमती नगर क्षेत्र में उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां काकोरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली पलटने से लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन कर ट्रैक्टर ट्राली से लौट रहे 40 लोग ट्रैक्टर की रफ्तार तेज होने की वजह से घायल हो गए।
बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की वजह से संक्रामक रोगों के बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, लेकिन राजधानी के मोहनलालगंज सीएससी के चारों तरफ जमा गंदगी और जलभराव का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीजों पर संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है और जिम्मेदार सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। वहीं मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे मोहनलालगंज एसडीएम ने बताया कि जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। समस्या से लोगों को निजात दिलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के चारों तरफ फैली हुई गंदगी और जलभराव, जिसकी जिम्मेदारी कोई भी जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में इसका निस्तारण कब हो पाएगा, ये सवालिया निशान है। यहाँ पे एक पंपिंग सेट लगा दिया गया है, उससे लगा करके यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पे रक्षा संपदा की जमीन है, जिसपे उनको पिछले दिनों में भी लगाया गया था, कुछ आपत्ति थी। उनके अधिकारी अभी आ रहे हैं, 3 बजे हम लोगों की बैठक भी है इस संबंध में और बैठक करके जो है इस समस्या का निस्तारण किया। बलिया में दूषित पानी पीने से करीब 4 दर्जन लोग बीमार हो गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई। मामला बलिया से रसड़ा थाना क्षेत्र के नागपुर गांव का है, जहां दूषित पानी पीने से करीब 4 दर्जन लोग बीमार हो गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां एक बच्चे की मौत हो गई और कई बच्चों की हालत गंभीर है, इनका इलाज चल रहा है। बता दें कि नगर पालिका ने कई मोहल्लों और गांवों में दूषित पेयजल की सप्लाई कर दी थी और जिसके सेवन से एक दो नहीं बल्कि 4 दर्जन से अधिक लोग डायरिया, उल्टी और बुखार की चपेट में आ गए हैं। साथ ही कई और गांव भी दूषित पानी से प्रभावित हुए। इसके बाद जिला हॉस्पिटल और स्थानीय डॉक्टरों की टीम गांव रवाना हो गई। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अभी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। बिजनौर में 2 दिन पहले रामलीला देखने गई किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की तहरीर पर 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं, साथ ही पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बिजनौर के गांव जहानाबाद निवासी नाबालिग बुधवार की रात गांव के पंचायत घर में रामलीला देखने गई थी, तभी गांव के 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कल दिनांक 9/10/2019 को ग्राम जहानाबाद थाना अंतर्गत कोतवाली एक 16 वर्षीय बालिका जो अपने परिजनों के साथ रामलीला देखने गई थी, पेशाब करने के लिए बाहर गई, जहाँ पे 3 लड़कों ने उसे दबोच लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध पंजीकृत कर लिया गया है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। महोबा के चरखारी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां पड़ोसियों से घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही उप जिलाधिकारी राजेश यादव, सीओ दिनेश यादव, एचसीओ अनूप कुमार दुबे भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने घटना की सूचना मृतका के परिजनों को दे दी है। बता दें कि मृतका अपने पीछे रोते बिलखते 2 बच्चे छोड़ गई है, जिसमें 5 वर्षीय पुत्री माही और 3 वर्षीय पुत्र आयुष का रो रो कर बुरा हाल है। धीरेन्द्र सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता, क्या ऐसी वजह थी जो महिला ने फांसी लगा ली, और हालांकि पुलिस अभी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, आगे क्या प्रतिक्रिया है? धीरेन्द्र, आवाज आ रही है आपको? धीरेन्द्र, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी। धीरेन्द्र, सवाल मेरा ये है कि इस महिला की क्या ऐसी वजह थी जिसने फांसी लगा ली, और पुलिस के आगे क्या कार्रवाई है? जी, आपको बता दूं कि अज्ञात कारणों के चलते अभी कारण पुलिस पता नहीं कर पाई है, जांच में लगी हुई है। हाँ जी। तो ये अभी ये महिला की मतलब घर में कुछ था, क्योंकि बच्चे भी इसके छोटे छोटे हैं, पति कहाँ क्या काम करते थे, अभी किसी भी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जी जी जी। पति और पूरा परिवार किसी कार के लिए खेत गया हुआ था। हाँ। कारण जानकारी पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी मामले की जानकारी हो नहीं पाई है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धीरेन्द्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र के एनएच 24 पर स्थित मारुति एजेंसी ने चोरी की घटना सामने आई है। मारुति शोरूम से 10 लाख कैश चोरी कर लिया। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं चोरी की घटना में एक नया मामला सामने निकल कर आया है। दरअसल शोरूम मालिक का कहना है कि 10 लाख रुपए शोरूम से चोरी हुए हैं, जबकि क्षेत्राधिकारी योगेंद्र सिंह का कहना है कि 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की चोरी हुई है, क्योंकि जब उनका हिसाब जोड़ा गया तो 5 लाख रुपए कम मिले हैं। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में जारी है, अभी तक पुलिस के खाली हाथ है। पहले तो ये 10 लाख की चोरी नहीं है, क्योंकि ये 3 से 4 लाख के बीच का है। जो भी पैसा है वो लिखापढ़ी में उनके पास है, उनके द्वारा जो भी बताया गया। जो ये घटना हुई है ये कल रात की है, इसमें फुटेज सामने आया है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है जल्दी ही पहचान होकर हम लोग उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर अश्लील पोस्ट करने पर आक्रोशित लोग सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं माना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जाम हटवाया। वहीं पुलिस युवक को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। उधर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले में पुलिस की तत्परता नहीं दिखने से स्थानीय व्यापारियों ने हिंदू दलों सहित कई संगठनों के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेणुकूट बीजपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। राजस्व महासंघ ने सरकार की ओर से चकबंदी विभाग का विलय राजस्व विभाग में करने का विरोध किया। इसके चलते अमीन लेखपाल कानूनगो नायब तहसीलदार तहसीलदारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन जारी रहेगा। राजस्व महासंघ के जिला मंत्री रमेश चंद्र कुशवाहा ने कहा कि चकबंदी विभाग का राजस्व विभाग में विलय करने का विरोध करते हैं। मैनपुरी में राजस्व महासंघ की जनपद इकाई ने तहसीलों में कार्य का बहिष्कार किया और कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राजस्व और चकबंदी विभाग का विलय राजस्व कर्मी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही मांगों पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आज हमारे राजस्व महासंघ की तरफ से दुनिया पार्क में जो धरना दिया जा रहा है, उसका मुख्य जो हमारा मांग है वो चकबंदी विभाग का जो राजस्व विभाग में विलय किया जा रहा है उसके विरोध करना है। और इसके अतिरिक्त हमारी मांग है कि जो हमारे कर्मचारी हैं लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार, उनका वेतन उच्चीकरण, तथा तीसरी मांग है पदोन्नति। हमारे पद खाली हैं किंतु अभी तक प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। इन तीनों मांगों को लेकर के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग आज एक दिवसीय कार्य बहिष्कार धरना कर सकते हैं। ये तो प्रांतीय नेतृत्व अभी आज एक दिन का हमारा हुआ है, इसके बाद जो भी निर्णय होगा वो प्रांतीय स्तर से होगा। ये तीन चीज़ें हमने मांग जो की हैं। पहली मांग की चकबंदी का जो विलय किया जा रहा है वो ना हो, उसका विरोध हम कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते ना, सरकार को निर्णय लेना है। हमारी मांग, हम ज्ञापन देंगे आज, उसके बाद सरकार को निर्णय लेना है। प्रांतीय नेतृत्व निर्णय करेगा कि मतलब उसमें आगे क्या करेंगे। हम तो केवल आज का कार्य बहिष्कार। केवल आपकी तीन मांगे हैं। मैनपुरी में लोगों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। दरअसल जिले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ दबंग कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, फायरिंग, मारपीट और पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि जनपद मैनपुरी के ओंझा थाना क्षेत्र के नगला थोरवा गांव और आंध्रा के ग्रामीणों में अंधाधुंद फायरिंग और मारपीट के साथ एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 6 लोग घायल हो गए, जबकि इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। झांसी में हुआ पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस के साथ योगी सरकार की भी किरकिरी हो रही है। मामला महोबा के आला चौक का है, जहां सैकड़ों सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला। और झांसी में
हुए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर को हत्या बताते हुए पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बदायूं में पुलिस हिरासत में हुई ब्रजलाल मौर्य की मौत को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पेंद्र यादव ब्रजलाल मौर्य को न्याय देने की मांग की है। दो मामले अभी ताज़ा जानकारी में है। एक पुष्पेंद्र यादव जो हत्या कर दी फर्जी मुठभेड़ में, उसके खिलाफ एक भी NCR नहीं, एक भी 716 के FIR तक नहीं, उसको फर्जी तरीके से पुलिस द्वारा जानबूझकर एनकाउंटर दिया गया है। और एक बदायूं में ब्रजलाल मौर्य को, जिसके खिलाफ कोई भी NCR नहीं, जो पुलिस कस्टडी में उसको जान से मार दिया गया है। हम चाहते हैं दोनों के लोगों के घर परिवार को इंसाफ मिले, 50-50 लाख रुपये दोनों को दिए जाए और प्लस एक नौकरी दी जाए। और बाकी जिन लोगों ने हत्याएं की हैं 302 के तहत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, सभी लोग एकत्रित हुए कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। झांसी पुलिस के फर्जी मुठभेड़ में मारे गए पुष्पेंद्र यादव का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं काशगंज में अखिल भारतीय यादव महासभा के दर्जनों पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च जलाकर पुष्पेंद्र यादव को भावविहीन श्रद्धांजलि दी है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। शहर के सोरो गेट स्थित अंबेडकर पार्क में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देते हुए अखिल भारतीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष अमित यादव ने बताया कि झांसी में पुष्पेंद्र यादव की रंजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी गई और उससे पुलिस मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर दिखा दिया, जबकि पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं था। कैंडल मार्च नहीं, एक तो यह है अखिल भारतीय वर्षीय यादव माता द्वारा जनपद झांसी में पुष्पेंद्र यादव का जो एनकाउंटर किया गया है उसके विरोध में और उनके आत्मा की शांति देने के लिए एक शोकसभा आयोजित की गई है और उनको जांच के वैसे जैसे जांच आती है प्राथमिक स्थिति में जाकर उनके घर वाले बताते हैं उनका कोई ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था आपराधिक तरीके का, इसीलिए उनका घर वालों का है कि एनकाउंटर जो है फर्जी है, लेकिन जांच में आएगा वो दूध पानी के पानी हो जाएगा। अलीगढ़ परिक्षेत्र के मंडलायुक्त अजय दीप सिंह दो दिवसीय दौरे पर कासगंज पहुंचे, जहां मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और ADM योगेंद्र कुमार के साथ सदर तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने उप जिलाधिकारी और तहसील कार्यालय में रखे अभिलेखों को चेक किया। इस दौरान अधूरे दस्तावेज मिलने पर मंडलायुक्त ने तहसीलदार के पेशकार को हटाकर दूसरा पेशकार रखने के निर्देश दिए। वहीं मंडलायुक्त ने शहर की मरीन बस्ती का भी निरीक्षण किया, साथ ही वहां की साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान मंडलायुक्त ने पॉलिथीन पर रोकथाम करने के लिए कपड़े के थैले बांटे और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। यूपी के कासगंज जिले में जिला प्रशासन की एक अनोखी पहल सामने आई है। प्रशासन ने ग्रेट सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है। ये सॉफ्टवेयर तहसील क्षेत्र में होने वाली शिकायतों और निस्तारण करने के लिए मील का पत्थर बनकर साबित होगा। आपको बता दें कि प्रदेश का पहला ग्रेट सॉफ्टवेयर कासगंज जिले की सदर तहसील में तैयार हुआ है। हमीरपुर के एक गांव में नेत्रहीन वृद्धा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक देवी विसर्जन के दौरान सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय में डेरा डाले नेत्रहीन वृद्धा के साथ एक शराबी युवक ने दुष्कर्म किया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। पीड़ित नेत्रहीन वृद्धा को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, साथ ही वृद्धा को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थाना ललपुरा में एक महिला के साथ में रेप की घटना हुई, जिसमें पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करके और महिला का मेडिकल कराया गया है और इसमें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हमीरपुर में सैकड़ों किसानों ने DM को ज्ञापन सौंपकर बैंकों के चलाए जा रहे चक्रवर्ती ब्याज को रोके जाने और ब्याज माफ करने पर रकम चुकाने के लिए एक साल का समय मांगा है। दरअसल इस साल हुई धुआंधार बारिश और बांध से जोड़े गए पानी के कारण बाढ़ आने से किसानों की फसलों के साथ साथ मकानों को भी धराशायी कर दिया है, जिससे सैकड़ों किसान सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच सरकार की नीतियों के खिलाफ एक और झटका देते हुए बैंकों ने चक्रवर्ती ब्याज के साथ किसानों की RC निकालने के आदेश दिए हैं, जिससे नाराज होकर किसान DM को ज्ञापन देने पर मजबूर हो गए हैं।
हमारे यहाँ किसानों से ये बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन किसान ने सरकार सही मायने में अगर करना चाहती तो लेखपाल जब तक सक्रिय होकर सही मुआयना नहीं करेगा फसल का तो हमें लाभ कहाँ से। हर किसान चक्रवृद्धि से परेशान है, फसल वैसी भी नहीं होती और एक बार के कर्जे में जो फंस गया वो फंसता ही चला जाता है, चाहे जितना बड़ा किसान हो। हर किसान की स्थिति यहाँ बहुत खस्ता है और फसल का मूल भी कभी भी सही नहीं मिलता, बेचने में भी हम लोगों को दिक्कत आती है और इस पर तो ये हालत है कि खरीफ की फसल तो है ही नहीं है। अगर आरसी आती है तो लोग प्रताड़ित होंगे और मजबूरन या तो। कबीर हत्याकांड और उसके बाद शहर में बिगड़ी कानून व्यवस्था की जांच के लिए एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल की जांच की। बता दें कि बीजेपी नेता कबीर तिवारी हत्याकांड में जनता ने घटना को अंजाम देकर भाग रहे दो आरोपियों को पकड़ लिया और साथ पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, साथ ही पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि 3-4 दिन पहले छात्रों के 2 गुटों में एपीएन पीजी कॉलेज के गेट पर मारपीट हुई थी। मारपीट की घटना में पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था, लेकिन बस्ती पुलिस के लापरवाही बरतने के चलते यह घटना हुई। घटना घटी है वो हम सब के लिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे बस्ती जनपद के लिए, सभी नौजवानों के लिए बहुत दुखद घटना है और उसको लेकर के कल से जिस प्रकार तनाव पूरे ज़िले में था, सर्वप्रथम उस पीएम होने के बाद हम लोगों का प्रयास था कि दाह संस्कार हो जाए। स्वाभाविक रूप से ऐसी घटना थी कि सबके मन में आक्रोश था, सबको कष्ट था। शहर में जिस प्रकार का माहौल बना था उसको किसी तरह से हम सब लोग लग करके रोकने का प्रयास किए। पुलिस प्रशासन ने कल से लेकर के आज तक जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी उतनी सक्रियता नहीं दिखाई। कल मेरे पहुंचने के बाद, मेरे फोन करने के बाद कप्तान महोदय वहां पर पहुंचे, 2 लोगों को जिनको हमीरपुर में जनपदीय स्तरीय रवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के हित और सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही कई किसानों को सरकार की तरफ से ट्रैक्टरों की चाबी भी दी गई। डीएम अभिषेक प्रकाश ने अपने नेतृत्व में किसानों को उपकरण बांटे और अच्छी फसल उपज के लिए उपाय बताए। गोष्ठी के आयोजन में उपस्थित रहे डीएम अभिषेक प्रकाश और बीजेपी सदर विधायक युवराज सिंह ने किसानों के हित में सरकार के किए गए कार्यों का भी जमकर बखान किया। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।